चाचा जी हैं, चाचा जी कुछ भी बोल सकते हैं। 25 करोड़ नौजवान प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में ओवर एज हुए। 2014 से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीए न्यूज में, मैं मनी पांडे। आपको बता दें कि चुनाव हो या ना हो, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे बयानबाजी करते ही रहते हैं। फिलहाल चुनाव के माहौल में बयानबाजी बढ़ चुकी है। जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जब आपके साथ थे तो आप लोग इधर उधर करते थे, इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इस पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते नजर आए कि उन्होंने ये भी कहा था कि वे मर जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे। वे तो ये भी कहते थे कि बीजेपी पार्टियाँ तोड़ती हैं, वे विधायकों को तोड़ के अपनी ओर ले जाती हैं, इसके बावजूद वे बीजेपी में चले गए। यादव ये भी कहते नजर आए कि उनका प्यार और स्नेह हमेशा सीएम के साथ रहेगा, वे उन्हें अपने पिता के समान ही देखते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पीएम पे तंज कसते भी नजर आए, और क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुने। हो गया। तेजस्वी जी, आज सीएम ने कहा है कि आप लोग के साथ जब थे सरकार में आपके साथ तो इधर उधर करते थे, इसीलिए आप लोगों का साथ छोड़ दिया था। हाँ, आप लोग के साथ थे तो इधर उधर बहुत करते थे। देखिए उनपे आप क्या बोले, चाचा तो पहले बोलते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और उनकी तो पार्टी तोड़ रहे थे भाजपा के लोग, उनके विधायकों को तोड़ रहे थे, जैसे मुकेश सहनी जी के विधायक को तोड़ के ले गए। जब वहाँ से छोड़ करके आए थे तो यही बात ना कही गई थी कि मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि लोग ठीक नहीं है, ये लोग देश को बर्बाद कर दिया है, और आप लोगों पे तो बोलते थे कि कब्जा हो गया है। अरे आप लोगों पे कब्जा हो गया है, ये बोलते थे ना। तो चाचा जी हैं, चाचा जी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार स्नेह चाचा के प्रति हमेशा रहेगा। हम हमेशा उनको पिता के रूप में ही देखेंगे। तेजस्वी जी, पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद कौन बोला, प्रधानमंत्री नकारात्मक सोच है ना। 25 करोड़ नौजवान प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में ओवर एज हुए, अब वो कहाँ नौकरी ढूंढेंगे, नौकरी का उम्र चला गया। 25 करोड़ इस पे बोले ना तेजस्वी, बेरोजगार रहे ना रहे ये महत्व नहीं रखता, महत्व रखती है कि देश के नौजवान को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। बिहार में कारखाने 10 साल में एक भी क्यों नहीं खुला, एक भी शुगर मिल चालू क्यों नहीं हुआ, जिसका चीनी का चाय पीना था प्रधानमंत्री जी को। 2014 से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, ये किसानों का दुगुना क्यों नहीं हुआ, महंगाई गैस सिलेंडर 2014 में 400 था आज 1200 क्यों है, पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर कैसे है, हर चीज़ का कीमत बढ़ता गया। एक स्कीम बता दो जो प्रधानमंत्री जी का जिससे लाभ हुआ हो हमारे देश के नौजवानों पर। महंगाई का माँ नहीं बोलते, गरीबी का घर नहीं बोलते, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल आते हैं अपने लिए आते हैं, बिहार के लिए नहीं आते। बिहार ने तो सब कुछ दे दिया 10 सालों में, 14 में 31 सांसद दिया, 19 में 39 सांसद दिया, यहाँ 17 साल से उनकी सरकार, वहाँ 10 साल से उनकी सरकार, लेकिन जिस साफे में बिहार के लोगों ने वोट दिया, क्या बिहार के लोगों को उनका अधिकार मिला, क्या बिहार के लोगों को सम्मान मिला? हर चुनाव में आते, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाते। बाढ़ हमारी समस्या उत्तर बिहार में, इंटरनेशनल इशू है नेपाल से, एक मिनट भी नेपाल से बात किए बिहार के लिए कि बाढ़ की समस्या सुलझ जाए? यहाँ आ करके तेजस्वी बेरोजगार हो जाएगा, लालू जी फल्ला है तो आरजेडी का परिभाषा ये है। अरे बीजेपी तो बेरोजगारी का बाप है, अब महंगाई की माँ है, इस पे बोले बीजेपी। वोटिंग प्रतिशत में कमी दिखाई दे रही है, वोटिंग प्रतिशत में
हाँ, इस पे तो सोच विचार सबको करना चाहिए ना। ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम नेताओं का, हम किसी को दोष नहीं देते। ये सब नेताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा हो गई, आप 10 साल से आपको जनता मौका दे रही है, आपने वादा नहीं पूरा किया तो लोगों की उम्मीदें कम होती है। हमें 17 महीने मौका मिला, हम 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों कर्मी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, हम लोगों ने मानदेय दुगुना की, आरक्षण की सीमा 75% की, जाति आधारित गणना कराया, आईटी पॉलिसी मैंने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, इन्वेस्टर मीट हम कराएं, 50,000 करोड़ का निवेश आए बिहार में, इसके लिए एग्रीमेंट कराएं। लेकिन इस पे प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता कि तेजस्वी ने इतना काम किया 17 महीने, जो 10 साल में हम सवाल पूछते प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी से अगर ज़्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री को खुला चुनौती है। शहनवाज हुसैन कहा है कि मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं आप, लेकिन उससे कुछ नहीं होने जाना है। किससे? मुकेश सहनी जी के साथ घूम रहे हैं। वो अपने ओने ओरियाइल चल रहे, उनको कौन पूछ रहा है? बीजेपी वाला कोनो भाव दे रहा है? वोटर तो दूर की बात है, पटिए वाला पत्ता काट दिया तो हमारी क्या गलती है? तो मुकेश सहनी जी पे बोलेंगे तो हम पे बोलेंगे, बोलने से खुश होते हैं उनके आका, तो और बोलिए, और बोलना चाहिए। चलो, तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीएम मोदी ने अगर तेजस्वी यादव से ज्यादा नौकरियां दे दी होंगी तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।